लोग कहते हैं बेटी को मार डालोगे तो बहू कहाँ से पाओगे, तो जरा सोचो किसान को मार डालोगे तो रोटी कहाँ से लाओगे। किसान भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण आदमी है। हम कह सकते हैं कि किसान नहीं तो हम नहीं। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे किसानों के बारे में। भारत में 23 दिसंबर को ही किसान दिवस क्यों मनाया जाता है, तो चलिए जानते हैं। 23 दिसंबर 1902 को भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था। चौधरी चरण सिंह को किसानों के सबसे बड़े मसीहा के तौर पर भी जाना जाता है। साल 2001 में चौधरी चरण सिंह के सम्मान में हर साल 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाने का फैसला लिया गया था। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को हुआ था, इसलिए ही 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। यह इंडिया के 5th प्राइम मिनिस्टर थे। यह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक प्राइम मिनिस्टर रहे थे। यह 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 3rd डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, 5th चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश भी रह चुके हैं। पूरे देश में 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर देशभर के किसानों के योगदान को लेकर कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। भारत के 5वें प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर हर साल यह खास दिन मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह को भारतीय किसानों की स्थिति में सुधार लाने का श्रेय भी दिया जाता है। खुद किसान परिवार से होने के कारण वे किसानों की समस्या और स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने किसानों के लिए कई सुधार कार्य भी किए थे। इस खास दिवस का उद्देश्य यह है कि किसानों के योगदान को सराहा जाए। देश में इस अवसर पर किसान जागरूकता से लेकर कई तरह के कार्यक्रम होते हैं। किसानों का देश की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान होता है, इसलिए हमें किसानों को सम्मान देना चाहिए। इस विशेष दिवस पर किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है। इस दिवस को मनाने के पीछे एक और उद्देश्य यह है कि यह कृषि क्षेत्र की नई सीखों के साथ समाज के किसानों को सशक्त बनाने का विचार देता है। किसान दिवस समारोह लोगों को किसानों के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों के बारे में शिक्षित करने का काम करता है। किसान के बिना जीवन मुश्किल, कहना जरूरी नहीं कि हम भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकते, और भोजन का अधिकांश हिस्सा हमें किसानों के उपजाए हुए अन्न और फल सब्जियों से मिलता है। किसान खेतों में मेहनत करके जो उपजाते हैं उन्हीं से हमारा पेट भरता है। किसान ना हो तो हमारा अस्तित्व नहीं रह पाएगा। अलग अलग देशों में किसान दिवस अलग अलग तारीखों पर मनाया जाता है, जबकि हमारे देश में इसे हर साल 23 दिसंबर को मनाया जाता है।